हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पैनासोनिक SCHT250GWK 2.1 मल्टीमीडिया स्पीकर की अनबॉक्सिंग। दोस्तों, अभी इस मॉडल का करंट प्राइस चल रहा है 5500 रुपीज। सो देखेंगे दोस्तों यार कि इस मॉडल की साउंड क्वालिटी कितनी बढ़िया हमें मिलती है। सो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसे पूरा अनबॉक्स करेंगे, आपको इसके डिजाइन को डिटेल में दिखाएंगे, साथ में हम इसका साउंड टेस्ट भी करने वाले हैं। सो आप वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। बाकी दोस्तों यार आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं सो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सर, वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह है हमारा पैनासोनिक SCHT250GWK 2.1 मल्टीमीडिया स्पीकर का बॉक्स। देख लीजिए दोस्तों, बॉक्स पर हमें मॉडल नंबर मेंशन करा हुआ मिल जाता है, साथ में हमें थोड़े फीचर्स के बारे में भी बॉक्स पर मेंशन करा हुआ मिल जाता है। जैसे कि दोस्तों, इस पर हमें 56 वॉट्स RMS का साउंड आउटपुट मिलता है, ब्लूटूथ, USB, AUX, FM इन सब की कनेक्टिविटी मिल जाती है। साथ में दोस्तों हमें इस पर LED डिस्प्ले भी मिलता है एंड रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है। बॉक्स पर देख लीजिए, मॉडल का डिज़ाइन भी बना हुआ हमें मिल जाता है। सर, फटाफट से दोस्तों अपने बॉक्स को ओपन करते हैं एंड आपको हर एक चीज़ को डिटेल पर दिखाते हैं। दोस्तों, बॉक्स हमारा ओपन हो गया है। देख लीजिए, सबसे पहले हमें वारंटी कार्ड एंड यूज़र मैनुअल मिल जाता है। दोस्तों, बॉक्स के अंदर हमें एक पैकेट भी मिल जाता है, इस पैकेट को भी ओपन करते हैं एंड देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या सामान देखने को मिलता है। तो देखिए दोस्तों, हमें इस पर RCA to 3.5 mm केबल मिल जाती है, RCA to RCA केबल मिलती है, साथ में हमें 2 batteries भी मिल जाती है रिमोट कंट्रोल के लिए, रिमोट कंट्रोल भी हमें मिल जाता है। सो मैं रिमोट कंट्रोल को भी आपको थोड़ा डिटेल में दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, रिमोट कंट्रोल का सबसे पहले डिज़ाइन हमें काफ़ी बढ़िया मिल जाता है एंड हम अपने सिस्टम को रिमोट कंट्रोल से पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। देख लीजिए दोस्तों, हमें पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, इनपुट का बटन मिलता है, म्यूट का बटन भी मिल जाता है, साथ में हमें वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए बटन्स मिलते हैं, प्ले पॉज प्रीवियस नेक्स्ट करने के लिए भी दोस्तों हमें बटन्स इस पर मिल जाते हैं। दोस्तों, हम ट्रेबल को भी एडजस्ट कर सकते हैं, बेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं एंड हमें इक्वलाइजर के लिए भी बटन मिल जाता है। बाकी दोस्तों यार, बिल्ड क्वालिटी जो है रिमोट कंट्रोल की, वो भी हमें काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। दोस्तों, अब अपने सैटेलाइट स्पीकर्स को भी बॉक्स से बाहर निकाल के अनरैप करके आपको डिटेल पे दिखाते हैं। दोस्तों देखिए, हमने दोनों सैटेलाइट स्पीकर्स को अनरैप कर लिया है एंड दोनों सैटेलाइट स्पीकर का जो डिज़ाइन है वो हमें सेम देखने को मिल जाता है। चलिए अब मैं आपको एक को थोड़ा डिटेल में दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, सामने की तरफ से हमें इस पर 3 inch का ड्राइवर लगा हुआ मिल जाता है। दूसरे सैटेलाइट स्पीकर पर भी दोस्तों हमें 3 inch का ड्राइवर लगा हुआ मिलता है। पैनासोनिक की ब्रांडिंग हमें नीचे से मिल जाती है। ओवरऑल दोस्तों यार, बिल्ड क्वालिटी जो है सैटेलाइट स्पीकर्स की, वो भी हमें काफ़ी बढ़िया मिल जाती है एंड एक प्लस पॉइंट दोस्तों हमें मिल जाता है, हम अपने सैटेलाइट स्पीकर को वॉल माउंट भी कर सकते हैं। देख लीजिए, बैक साइड पर हमें वॉल माउंट का भी ऑप्शन इस पर मिल जाता है। सो ओवरऑल दोस्तों, डिज़ाइन भी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी भी बढ़िया है। दोस्तों, अब बॉक्स से थर्माकोल को बाहर निकालते हैं एंड अपने सबवूफर को भी बॉक्स से बाहर निकाल के अनरैप करके आपको डिटेल पर दिखाते हैं। दोस्तों, हमने सबवूफर को भी अनरैप कर दिया है। दोस्तों, सबवूफर का भी जो डिज़ाइन है वो हमें काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। इसका डिज़ाइन पैनासोनिक का जो 4.1 मल्टीमीडिया स्पीकर सिस्टम आता है उसी की तरह हमें मिल जाता है, चाहे सैटेलाइट स्पीकर की बात करें हम। दोस्तों, मॉडल नंबर जो है 4.1 वाला, वो है पैनासोनिक SCHT460GWK, उसका भी वीडियो हमने डाला है, अगर वो भी देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। चलिए अब मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में दिखा देता हूँ। सबवूफर के टॉप पर देख लीजिए, हमें मोड का बटन मिल जाता है, प्ले पॉज स्कैन का भी बटन मिलता है, मतलब कि एक ही बटन से हम ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। प्रीवियस नेक्स्ट का भी बटन हमें मिल जाता है, साथ में वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए भी बटन हमें मिल जाते हैं। दोस्तों, मोड को चेंज करने के वाले बटन से हम पावर ऑन ऑफ भी कर पाएंगे सिस्टम को। सबवूफर के फ्रंट पर देख लीजिए, हमें LED डिस्प्ले भी मिल जाता है, जो भी फंक्शन हम ऑपरेट करेंगे वो डिस्प्ले पर शो हो जाएगा, तो ये मुझे एडवांटेज लगा है, डिस्प्ले मिला है मतलब इस प्राइस पॉइंट पर हमें। एंड देख लीजिए, हमें 5.25 इंचेस का बेस ड्राइवर लगा हुआ मिल जाता है सबवूफर, सो बेस क्वालिटी भी बढ़िया हमें मिलनी चाहिए एंड मेटल की ग्रिल हमें मिल जाती है सामने की तरफ से, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की। एंड नीचे से देख लीजिए, हमें पैनासोनिक की ब्रांडिंग इस पर मिल जाती है। साइड से हमें USB पोर्ट भी मिल जाता है, यानी कि आप यहाँ पर अपनी पेन ड्राइव प्लग इन कर सकते हैं 32 GB तक की एंड म्यूज़िक का मज़ा ले सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बैक साइड को थोड़ा डिटेल में दिखा देता हूँ। देखिए, हमें आउटपुट पोर्ट एंड इनपुट पोर्ट मिल जाते हैं। आउटपुट पोर्ट पे दोस्तों हमारे दोनों सैटेलाइट स्पीकर कनेक्ट होंगे एंड इनपुट पोर्ट के थ्रू दोस्तों हम अपने फ़ोन, PC, TV, लैपटॉप को कनेक्ट कर पाएंगे थ्रू RCA to 3.5 mm केबल एंड RCA to RCA केबल। दोस्तों, हमें FM एंटीना भी मिल जाता है। दोस्तों, बैक साइड पर ही देख लीजिए, हमें पावर ऑन ऑफ का स्विच भी मिल जाता है।
सबवूफर के दूसरी साइड से देख लीजिए, हमें बेस रिफ्लेक्ट पोर्ट मिल जाता है, यानी कि होल जहां से एयर पास होगी। एंड दोस्तों इस पर हमें प्रोटेक्शन भी लगा हुआ मिल जाता है। ओवरऑल दोस्तों बिल्ड क्वालिटी भी हमें सबवूफर की काफी बढ़िया मिल जाती है। चलिए दोस्तों अब अपने सिस्टम को पावर ऑन कर लेते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने सिस्टम को पावर ऑन करा, डिस्प्ले ऑन हो गया है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसकी टॉप वॉल्यूम दिखा देता हूँ। दोस्तों इस पर हमें 30 तक की मैक्स वॉल्यूम मिल जाती है। हम ट्रेबल को भी एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों -5 से +5 तक ट्रेबल को एडजस्ट कर सकते हैं एंड हम बेस को 0 से 30 तक के पॉइंट तक एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में हम इक्वलाइजर को भी एडजस्ट कर सकते हैं थ्रू रिमोट कंट्रोल। दोस्तों अब अपने सिस्टम का फर्स्ट अटेम्प्ट पे साउंड टेस्ट कर लेते हैं। तो देख लीजिए हमने अपना फोन ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लिया है। प्लीज आप अपने हेडफोन्स का यूज करिए, तभी आपको साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा एंड रेडी रहेगा, जल्दी इसका डिटेल साउंड टेस्ट वीडियो आ जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में इस मॉडल का साउंड, बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों यार फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से मुझे इस मॉडल की साउंड क्वालिटी बढ़िया लगी है। मतलब जिस हिसाब से इसका प्राइस है उस हिसाब से साउंड क्वालिटी अच्छी है इसकी, क्योंकि आप सबको पता है इसके जो कॉम्पिटिशन में आते हैं सोनी ऐसे D40 आता है, इन्फिनिटी हार्ड रॉक 210 आता है। सो उनके हिसाब से दोस्तों यार मुझे इस पर थोड़ी अच्छी क्वालिटीज लगी हैं, जैसे कि इस पर हमें LED डिस्प्ले मिल जाता है जो कि काफ़ी प्लस पॉइंट है। साथ में दोस्तों यार हम इसके बेस एंड ट्रेबल को भी कंट्रोल कर सकते हैं, सो ये भी एक प्लस पॉइंट है। हमें FM रेडियो का सपोर्ट मिल जाता है, सो कनेक्टिविटी के हिसाब से भी देखा जाए तो काफी बढ़िया है। एंड दोस्तों यार इनकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया हमें मिल जाती है, मतलब लगेगा कि आपने अच्छी क्वालिटी के स्पीकर सिस्टम परचेस करें, ऐसा नहीं लगेगा कि आप चिप क्वालिटी के, क्वालिटी वाइज भी आपको काफी पसंद आने वाला है। बाकी दोस्तों यार साउंड क्वालिटी जैसे कि मैंने आपको बताई दिया कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से तो मुझे बढ़िया लग रही है, बट यार काफी डिटेल में इसे टेस्ट करना पड़ेगा। सो हम इसका डिटेल साउंड टेस्ट वीडियो जल्दी लेकर आने वाले हैं एंड डिटेल साउंड टेस्ट वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम इसका साउंड टेस्ट काफी डिटेल पे करेंगे। पहले ऐसी नॉर्मल इसे टेस्ट करेंगे, टीवी के साथ कनेक्ट करके देखेंगे, साथ में इसका आउटडोर पे भी साउंड टेस्ट करेंगे। सो डिटेल साउंड टेस्ट वीडियो का वेट जरूर से करेगा। बाकी यार अभी के हिसाब से दोस्तों अगर आपको एक अच्छा सिस्टम चाहिए, फीचर्स सारे चाहिए, तो आप इस मॉडल को परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस मॉडल का परचेस लिंक दे दूंगा। सो फ्रेंड्स आशा करता हूं यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों अगर आपको इस मॉडल के साउंड को और डिटेल में जानना होगा तो जरूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की ID का लिंक मिल जाएगा। सो यार मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।